सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अंदर वीडियो। जैसे आप लोग पता है, मैं दो तीन दिन पहले एक एमएटू ग्लोरी का वीडियो बनाया था एंड दोस्तों उसमें बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस मिला और आप लोगों का ढेर सारा प्यार, जिसके कारण मेरे को ये वाला वीडियो बनाना पड़ा। तो देखो दोस्तों, मेरे यहाँ पे ना 13,000 ग्लोरी है अभी एमएटू का एंड मेरे को यहाँ पे एक चैलेंज क्रिएट करना है, जो की मेरे को रीजन जाना है, मतलब इंडिया में जाना है दोस्तों। कुछ भी करके आप, कुछ भी हो जाए तो आप लोग इतना प्यार दिखा सकते हो तो मैं यहाँ पे एमएटू में जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देखो, हाँ आप लोगों को बता दूं, ये कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एमएटू एक ऐसा गन है जो बहुत ही कम मिलता है, और जहाँ पे मिलता है भाई बंदे वहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं, मींस ब्लू जोन में मिलता है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा वहाँ पे बंदे रहते हैं। तो मेरे को तो भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि चैलेंज ले लिया मैंने, बट गाइस आप लोग बहुत ज्यादा मेरे को प्यार दिए उस वाले वीडियो में, जिसके कारण मेरे को चैलेंज लेना पड़ा। बाय द वे दोस्तों, जो जो अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा देख लेना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनता रहता है हमारे यहाँ पे एंड भाई लाइक भी कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। अब हमारा फर्स्ट मैच स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों हम स्क्वाड खेल रहे थे और स्क्वाड पूरा यहाँ पे राइट साइड उतर गया था और हम दो ही प्लेयर यहाँ पे उतरे थे, लेकिन यहाँ पे मेरे को एसबीटी मिल गया, जो कि एक को काफी डैमेज देकर डाउन कर दिया एंड भाई दो प्लेयर को मेरा फ्रेंड डाउन कर देता है। अब यहाँ पे एक प्लेयर बाकी रहता है और वो मेरा फ्रेंड नहीं देखता है, मतलब फ्रेंड उसको नहीं देख पाता है एंड मैं देख लेता हूँ दोस्तों। मैं जल्दी जाता हूँ यहाँ पे एंड भाई काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे फिनिश कर दिया, पूरा स्क्वाड ही खत्म हो गया भाई, वो क्या समझ रहे होगा। तो यहाँ पे जल्दी फिनिश करके फिर हम लोग ब्लू जोन निकल जाते हैं। अब दोस्तों मेरे को ब्लू जोन में तो दो एमएटू मिल जाते हैं एंड यहाँ पे देखो पूरा स्क्वाड से फिर फाइट ले रहा था मेरा फ्रेंड सब एंड मैंने देखो यहाँ पे कितना डैमेज दिया, बट मेरे को काफी डैमेज दिया बंदे ने और भाई उसका स्क्वाड सारा मेरे एक फ्रेंड पे जाकर रश कर रहा था। तो मैं यहाँ से जितना हो सका वहाँ पे मैं कवर देने की कोशिश किया, बिकॉज मेरा फ्रेंड वहाँ पे जाके भाई एक चला गया अकेले, तो सारा फ्रेंड मतलब सारा एनिमी उसी पर जाकर रश करने लगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एमएटू के कारण मैं भाई उसके पास जाने नहीं दिया बंदे को, मतलब इधर से काफी अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। तो एक प्लेयर तो उधर चला गया, एक प्लेयर सामने था दोस्तों एंड भाई काफी अच्छे तरीके से सोनिया एक्टिव कर दिया, लेकिन उसके पास डिमिट्री है दोस्तों, तो यहाँ पे डिमिट्री से वो रिवाइव हो जाएगा, बट मेरा फ्रेंड वहाँ पे पैक करके बैठा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ यार इधर से मैं कवर दूंगा, बट वो बंदा मतलब मान ही नहीं रहा, उसी के अंदर बैठा हुआ है। तो चलो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं एक को डाउन कर दिया और भाई ये जिसको मैं डाउन किया था वो फाइनली एक बार और रिवाइव हो चुका है। तो मेरे पास यहाँ पे एमएटू है, तो शॉर्ट रेंज में तो मेरे को जाना सही नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे अब देखना है दोस्तों क्या मार पाऊंगा। एक शॉट दिया लेकिन वो ग्रेनेड कर दिया था मेरे पे एंड भाई ग्रेनेड से तो बच गया हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या भाई देखो यहाँ पे मेरे को लॉन्ग से फाइट लेना पड़ेगा। ओके ऑलराइट, यहाँ पे इसको डाउन कर दिया। अब डाउन करने के बाद देखो मेरा फ्रेंड वहाँ पे अभी तक पैक में है, मतलब वो निकल नहीं रहा है, तो मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा दोस्तों। मेरे पास देखो शॉर्ट रेंज की गन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओके भाई मिस फायर हो रहा है मेरे से। चलो दोस्तों यहाँ पे तो फिलहाल के लिए एक शॉट मार दिया उसे, एक शॉट में बंदा खत्म। ओके यहाँ पे बंदे का काम तमाम और यहाँ पे दो प्लेयर को मैंने मार दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने दो प्लेयर को मारने के बाद एमएटू से मेरा दो किल हो जाता है, तो मेरे को और दो किल करना है दोस्तों, उसके बाद मेरा 100 ग्लोरी वेपन ग्लोरी मिल जाएगा मेरे को। और यहाँ पे मैं थोड़ी दूर आया लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर था दोस्तों, तो उससे मेरे को फाइट लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे देखना दोस्तों। ओके वुकोंग बनाया, जो कि भाई काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे स्क्वाड खत्म हो गया एंड भाई शॉर्ट रेंज में मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एमएटू चलाना पड़ा। अब फ्रेंड्स देखो लास्ट जोन आ चुका है और मैं यहाँ पे लैंड में ला के आराम से बैठा था, बट गए अचानक से बंदा देखो भाई सोनिया एक्टिव हो गया, भाग जाता है बंदा, लेकिन यहाँ पे वो रिवाइव होने लगता है, बट मेरे को यहाँ पे किससे किल करना है तो एमएटू से करना है, इसलिए मैंने उसको रिवाइव होने दिया, उसके बाद भाई उसे मारा, मतलब रिवाइव होने के बाद मारा और यहाँ पे इसे जल्दी से फिनिश भी कर लेता हूँ, देर मेरा किल यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे को वेपन गोलर तो मिल जाएगा, लेकिन फ्रेंड सब बोल रहा था यार चलो स्क्वाड पूरा मतलब पूरा गेम खेल ही लेते हैं तब बैक करना, तो भाई हम लोग खेल लेते हैं थोड़ा सा। देन उस बंदे को किल फिनिश करने के बाद एक प्लेयर और था, जो कि उसे भाई काफी डैमेज दिया एंड डाउन हो गया, लेकिन भाई डिमिट्री से अगेन वो रिवाइव हो जाएगा। बाय द वे दोस्तों यहां पे मेरे पास एमएटू है, तो कोई टेंशन नहीं है, वो रिवाइव होने के बाद भी उसे मार दूंगा। और मुझे ये नहीं पता था उसका स्क्वाड का लास्ट प्लेयर बाकी था, जो कि भाई इतना गलत तरीके से वो खेल गया और यहाँ पे उसका स्क्वाड भी फिनिश हो गया था। अब दोस्तों बहुत ही कम बंदे अलाइव हैं, तो मजा आ जाएगा, यहाँ पे बोया ले सकते हैं दोस्तों। अब देखो मैं काफी टाइम से ये घर का लोकेशन चेंज नहीं किया था, जिसके कारण मेरे को सारे बंदे देख लिए थे कि यहाँ से मैं एमएटू चला रहा हूँ और भाई पूरा स्क्वाड यहाँ पे देखो रश कर दिया, कितने बंदे आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारा फुल स्टेप आ रहा है, तो यहाँ से मैं निकल गया, निकलने में फायदा मेरे को लगा एंड मेरा दो प्लेयर भी मर चुका है, तो थोड़ा सा रिस्की गेम हो गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ओके भाई एक को डाउन कर दिया, लेकिन एक राइट साइड प्लेयर है तो इसको फिनिश लेना पड़ेगा यहाँ पे। ओके फिनिश ले लिया, लेकिन यहाँ पे राइट वाले बंदे काफी मेरे को डैमेज दे रहा था, तो यहाँ पे मैं फाइट ना लेकर अपना फ्रेंड को बचाना सही समझा। अब दोस्तों मैं फाइट तो नहीं लिया एंड यहाँ पे अपना फ्रेंड को तो बचाने आता हूँ, लेकिन दोस्तों बचाने के बाद एक फ्रेंड मेरा और मर जाता है, तो मेरे पास टोकन नहीं था तो मेरे को निकलना पड़ा यहाँ पे एंड जॉन भी बहुत गंदा काट रहा था और मेरे को फ्रेंड देख लिया था वो एनिमी, तो मेरे को जाने तो नहीं देगा एंड दूसरा प्लेयर भी थर्ड पार्टी करने के लिए यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, बाय द वे यहाँ पे तो देखना यह क्या निकल पाएंगे या नहीं।
कर पाएंगे। ओके यहाँ पे मैं गुलवा लगाते हुए जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। एंड मेरे पास शॉर्ट रेंज का गन नहीं है, जिसके कारण अगर कोई प्लेयर आ गया तो मेरे को मरना ही पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे एक प्लेयर था सामने और मेरा दोनों फ्रेंड यहीं पे उतरा, तो मेरे कोई टेंशन नहीं है, कोई आएगा तो मार दूंगा। बाय द वे ओके इसको भी फिनिश कर दिया। अब फिनिश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत कम बंदे बाकी है एंड एक ऊपर में दोस्तों। अब मेरा फ्रेंड तो बच गया, अब इसको देना है। लेकिन यहाँ पे एक शॉट दिया एंड भाई मेरे को लगा रश कर देता हूँ सही से, और ऐसा भाई मैं बहुत ही गलत रश किया था बिकॉज उसके पास MP40 था, तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ा। और मैं अपना फ्रेंड को बोला भाई जाके घुस जा क्योंकि तुम्हारे पास UMP है, तो अपना फ्रेंड को जल्दी बुला लेता हूँ। यहाँ पे दोनों फ्रेंड वहाँ पे जाते हैं और मैं इधर से कवर देता हूँ, लेकिन यहाँ से एक भी शॉट मेरा टच नहीं होता है, जिसके कारण भाई मेरा यहाँ पे किल नहीं हो पाता है। अब इस बंदे को डाउन करने के बाद एक प्लेयर सामने था दोस्तों, जो कि एक शॉट दिया एंड यहाँ पे डाउन। लेकिन भाई लेफ्ट साइड से इतना गंदा मेरे को मारा था, क्या ही बोलूं। लेकिन यहाँ पे मेरा किल था तो भाई छोड़ने का नहीं। ओके मैं यहाँ पे छोड़ लूँगा नहीं बंदे को, और दूसरे शॉट में पूरा स्क्वाड फिनिश और यहाँ पे मेरा 11 किल हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दो प्लेयर उधर बाकी है, तो मेरा फ्रेंड बोलता है भाई कि मेरे को भी किल लेना है, तो यहाँ पे दो प्लेयर सामने बाकी है, तो मैं तो यहाँ से थोड़ा कवर देता हूँ और मेरा फ्रेंड जाके रश कर देता है। और देखते देखते यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे भाई बंदे को मारता है एंड यहाँ पे बोया हो जाता है। और मेरे 11 किल के साथ अगर वेपन ग्लोरी यहाँ पे ज्यादा मिलता तो कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे मेरे को 100 ही ग्लोरी मिलेगा दोस्तों। और हाँ आप लोग स्क्वायर पे ध्यान मत देना क्योंकि हमारा माइनस एंड प्लस बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोग बस ग्लोरी पे ध्यान देना। अब हमारा नेक्स्ट मैच होता है जो कि मैं सोलो खेलता हूँ एंड सोलो खेलने के बाद मेरे को M2 मिल जाता है, जो कि मैं ब्लू जोन में उतरा था एंड एक प्लेयर था सामने दोस्तों, वो फाइट लेके ही भाग रहा था, तो मैं एक शॉट दिया एंड जल्दी से जाता हूँ क्योंकि दोस्तों उसके पास कौन सा गन आई डोंट नो, और मेरे को यहाँ पे M2 से ही मारना है, तो भाई अभी तो चांस है मेरे को। ओके ऑल राइट यहाँ पे डाउन हो गया, इसके पास भाई डिमिट्री है जिसके कारण ये अगेंस्ट रिवाइव होगा, तो मैं यहाँ पे डैमेज बढ़ाने के लिए रिवाइव होने के बाद फिर से मार दिया और यहाँ पे हमारा एक किल हो जाता है M2 से। अब उस बंदे के मारने के बाद यहाँ पे एक प्लेयर और था जो कि मैं भाई बहुत टाइम से इसको मैं फॉलो कर रहा था एंड जोन पीछे से आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे गया और अभी तक तो मेरे को पता नहीं है कौन से वाले होम में, बट थोड़ी देर के लिए मेरे को दिखता है बंदा ऑलराइट सामने था दोस्तों, और यहाँ पे उसको मारना है और वो बाहर निकल गया, जिसको एक शॉट देता हूँ एंड भाई काफी मेरे से मिस होता है, जिसके कारण भागने वाला था बिकॉज वो भाई मार दिया बट वो डाउन हो गया, उसके पास शायद हॉर्ज लाइन होगा एंड भाई उसे फिनिश करने के बाद यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। अब मैं जोन से निकल ही रहा था लेकिन यहाँ पे एक सामने और प्लेयर था और मेरे को वो नहीं देखा था, तो मेरे को लगा भाई मैं सरप्राइज अटैक दे दूंगा, लेकिन दोस्तों वो देख लेता मेरे को अचानक से भाई और मेरे को काफी डैमेज दे देता है। लेकिन यहाँ पे मैं गुलबल लगा के और मेडिकल करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास देखो भाई पूरा लॉन्च पैड से लॉन्चर से तोड़ रहा था मेरा गुलबल एंड उसको लास्ट फूट गया। अब मेरे को यहाँ पे मेडिकल करने का ऑप्शन मिल गया, उसका 3 गोली खत्म हो गया दोस्तों, और यहाँ पे मेडिकल करने के बाद देखो खुद में अपने आप में भाई लॉन्चर फेंक दिया, तो अभी तो वो शांत रहेगा एंड यहाँ पे मैं हेड मारने की कोशिश करता हूँ बट वो भाई गुलबल लगा लेता वहाँ पे, तो अब यहाँ पे मेरे को निकलने का चांस है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे तो निकल गया बट गाइस देखो यहाँ पे ऑलराइट यहाँ पे तो अब मेरे को मारना ही पड़ेगा वरना वो मेरे को जान ही नहीं देगा एंड एक गोली लगा और दूसरे गोली में फिनिश हो गया, पता नहीं उसके पास शायद से बहुत ज्यादा कम हेल्थ होगा जिसके कारण यहाँ पे मर गया। अब देखो लास्ट जोन आ गया था, मेरा किल यहाँ पे सही से नहीं हुआ था तो मेरे को मारना पड़ा, लेकिन यहाँ पे देखो भाई कितना मेरे से मिस हो रहा है, भाई एक भी नहीं लग रहा था गोली, कभी कोई इतना गंदा मिस होता है क्या बोले, एक भी गोली नहीं लगा और वो बंदा भाग गया। लास्ट प्लेयर है ओके यहाँ पे हेडशॉट देके मारना पड़ा मेरे को और मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पे मिस हुआ था बंदे थे, लेकिन यहाँ पे मैं हेडशॉट देके अब मेरा वेपन ग्लोरी बढ़ जाएगा भाई 100 मिल जाएगा, क्योंकि एक हेड मारने के बाद दो किल करने के बाद हो जाता है हमारे यहाँ पे एंड बस तीन प्लेयर बाकी है दोस्तों, एक प्लेयर तो यहीं पे है, मैं यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखना ये है क्या ये बंदा मरेगा या बचेगा, तो यहाँ पे मैं तो जल्दी से ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ एंड भाई वो देखना खुद ब खुद ग्रेनेड को लेने के लिए भाई वो ग्लोर फोड़ देता है और यहाँ पे 74 का लगता है, मैं जल्दी निकलता हूँ बट गाइस वो निकल जाता है। अब दोस्तों मैं तो जाता हूँ उसके पास, देखो यहाँ पे उसके पास मोको यूज है तो मैं जा रहा हूँ, बट गाइस मेरे पास यहाँ पे M2 था जिसके कारण मैं एक शॉट देता हूँ, लेकिन दोस्तों काफ़ी मेरे को डैमेज था जिसके कारण मेरे को इस साइड आना पड़ता है और वो एक गोली में मैं बाकी रहता हूँ और भाई देखो निकल जाता हूँ, उसको कोई दूसरा बंदा मार देता है और यहाँ पे मैं फाइनली बच जाता हूँ। अब लास्ट में 1v1 का सिचुएशन होने वाला जो कि मैं यहाँ पे M2 से मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन दोस्तों वो काफ़ी साथ दिमाग का था भाई, क्या ही बोले उससे, मतलब कि वो अपना एम दे ही नहीं रहा था, इधर उधर कर रहा था जिसके कारण मैं तो नहीं मार पाया, लेकिन उसके बस MP40 था दोस्तों। और यहाँ से मेरे बहुत बड़ा गलती होता है भाई, मैं को यहाँ पे थंबनेल चलाना था बट यहाँ पे मैं नहीं चला के गलती करा और यहाँ पे मर गया। अब मैंने M2 से तो एक हेडशॉट मारा था जिसके कारण मेरे यहाँ पे M2 का फिर से 100 वेपन ग्लोरी मिल जाता है। देन हमारे नेक्स्ट वाले मैच में मेरे को तो M2 मिल गया क्योंकि मैं हमेशा ब्लू जोन उतरता हूँ एंड गाइस देखो यहाँ पे सामने बंदा था और मैं उसको काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहा था और देख रहा था एंड यहाँ पे देखो दूसरे से फाइट ले रहा जिसके कारण यहाँ पे थर्ड पार्टी मैंने कर लिया। अब थर्ड पार्टी तो कर लिया लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखना और कितना गलत सीन होने वाला है, मैं यहाँ पे अपने आप में थोड़ा सा सर्वाइव कर रहा हूँ और देखो एक
एक प्लेयर उसको उसका शायद लूट करने जा रहा होगा, एंड देखो लूट करने जा रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं था गाइस वहां पे लैंडमाइन लगा के रखा है बंदा, तो उसको काफी डैमेज पड़ जाता है। और उसी का मैंने फायदा उठाता हूं, देखना यहां पे उसको लैंडमाइन से काफी डैमेज पड़ा और वो चला गया सामने। और देखो यहां पे भाई एक मिस हुआ, एंड भाई दूसरा वॉल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे हेडशॉट मार दिया। अब हेडशॉट मारने के बाद यहां पे मेरा वेपन ग्लोरी के लिए मेरे को और एक किल या दो किल करने की जरूरत है, और एक प्लेयर और आ गया, तो देखना ये गाइस कहां पे मार पाऊंगा। ओके वो शायद मेरे को नहीं देखा है, और शायद देख लिया। ओके यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे मैंने हेडशॉट मार दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने हेडशॉट मारने के बाद मेरे को इतना तो पता नहीं है क्या मेरे को मिलेगा वेपन ग्लोरी 100 या नहीं मिलेगा, उसी का डर के कारण मैं यहाँ पे अपने आप में एक हंट ले लेता हूँ प्लेयर से। लेकिन दोस्तों वो हंट भी कुछ काम का नहीं रहता है, वो बंदे इतना दूर भाग जाता है मतलब मेरे से रस नहीं कर पाता है, जिसके कारण मैं यहाँ पे थोड़ा सर्वाइव मेरे को करना पड़ता है। और थोड़ा सा मैं दूर आता हूँ जिसके कारण यहाँ पे एक प्लेयर मिलता है, एंड यहाँ पे देखना कितना गलत सीन होता है भाई, इसको इतना गुलबल इसके पास कहाँ से आता है, मतलब एक एक गुलबल करके मैं फोड़ता जा रहा हूँ और वो गुलबल लगाता जा रहा है, और वो ऐसा नहीं है कि इधर से फाइट ले रहा नहीं गए, वो पीछे से फाइट ले रहा है, जिसके कारण वो बंदा पीछे भी नहीं भाग सकता है, एंड नीचे भी होमर चार्ज है, तो भाई यहीं पे वो बंदा रहेगा और मैं यहाँ पे फायदा उठा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एमएटवी का थोड़ा सा किल कम है, तो मेरे को एमएटवी का किल निकालना पड़ेगा, एंड उसका जितना भी गुलबल है सारा फोड़ रहा हूँ यहाँ पे, एंड पीछे से मैं थोड़ा सा कवर बना के रखना पड़ेगा क्योंकि पीछे से मार सकता है बंदा, बिकॉज मेरे को यहाँ पे भाई काफी अच्छे तरीके से मार दिया बंदे को। अब मारने के बाद यहाँ पे मेरा काफी अच्छे तरीके से किल तो हो गया, अब आई डोंट नो अब क्या होने वाला। हाँ भाई प्लस तो हो जाएगा मेरा 100 वेपन ग्लोरी, तो मेरे को यहाँ पे लगा कि चलो अब टाइम वेस्ट है, बट एक नीचे से प्लेयर आ रहा था, तो उसको मारने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बैक कर सकता हूँ, तो अभी तो देखना है क्या यहाँ पे नीचे से बंदे आएगा, अगर आएगा तो उसे मारना ही पड़ेगा, एंड आ गया और एक शॉट मारा दोस्तों। उसके बाद ये प्लेयर देखना कितना गलत तरीके से रस करते हैं, एंड उसके पास भी तो था ट्रोगन और मेरे पास भी ट्रोगन था, तो मेरे पास ट्रोगन था जिसके कारण मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे उसको सोनी एक्टिव कर दिया और वो डाउन हो गया। तो जल्दी से मैं उसको फिनिश करता हूँ क्योंकि अब मेरा M2 का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। और फिनिश करने के बाद मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि दोस्तों उसके बाद मेरे को पता चलता है यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट प्लेयर बाकी है 6-7, तो उसमें बहुत ज्यादा मेरे को टाइम वेस्ट होना पड़ेगा और मेरा किल भी हो गया है, तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ सामने और बोल देता हूँ मार लो मेरे को, एंड जल्दी से फिनिश भी हो जाता है क्योंकि कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करना, तो जल्दी से यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं हम लोग। अब मैंने 2 हेडशॉट मार दिए थे जिसके कारण तो मेरे को यहाँ पे मिल जाता है M2 का 100 वेपन ग्लोरी। अब दोस्तों मैं बहुत ज्यादा खेलने के बाद मेरा यहाँ पे फाइनली देखो कितना स्क्वायर हो गया, आप लोग कमेंट करना आज मैं कितना प्लस किया हूं, एंड 15,200 मेरा अभी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट मैच स्टार्ट करता हूं जो कि यहां पे हमारा होता है कलहरी में, एंड मेरे को M2 मिलता ही नहीं बहुत टाइम से, फिर मैं पिंक वाले मशीन में जाके खरीदता हूं और फाइनली मेरे को मिलता है। एक प्लेयर उधर से आ रहा था जो कि जोन साइड से आ रहा था, और मैं पीछे से बहुत ज्यादा डैमेज देने की कोशिश किया, बट गए वहां पे और एक थर्ड पार्टी करने के लिए बंदा आ गया था। अब यहां पे तो मेरे को मजा आने वाला है क्योंकि मेरे पास M2 है, और M2 से थर्ड पार्टी करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है दोस्तों, बट यहां पे मैं अभी थर्ड पार्टी करने का कोई वो नहीं कर पा रहा था। एक प्लेयर को मैंने मारा बहुत ही अच्छा तरीके से, एंड वो अपने आप में गुलबल लगा लिया था, और अब वो सब दोनों एक दूसरे से फाइट ले रहा था जो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी मैंने करके एक को तो किल कर दिया, अब बस एक प्लेयर वहां पे बाकी था, एंड मैं भाई पूरे के पूरे M2 से मार रहा था जिसके कारण उसे भागना पड़ा, और उसी का फायदा उठा के उसे भी मैंने फिनिश कर दिया। अब थोड़ी देर बाद से जॉन आ रहा था, लेकिन दोस्तों जॉन से एक प्लेयर भाग रहा था जिसको मैंने एक डैमेज दिया, एंड एक शॉट दूसरे शॉट भी दिया था और वो गुलबल लगा लिया, उसका तीसरे शॉट में बंदा फिनिश कर दिया, उसे पता भी नहीं था भाई मेरे पास M2 है और उसे फिनिश कर दिया था। अब देखो पूरा लास्ट जॉन हो गया था, एंड एक प्लेयर सामने टावर पे था दोस्तों, और वो काफी डैमेज दे रहा था मेरे को, लेकिन उसका जब पारी आया तो वो भागना पड़ा उसे, एंड एक शॉट देने के बाद वो देखना कितना गंदे तरीके से पीछे भाग गया, क्योंकि यहाँ पे उसे पता है कि मैं M2 से मार दूंगा, एंड भाई भागने से भी कुछ फायदा नहीं होता उसे, मैं उधर से भी मार दिया क्योंकि मोको जल्दी से देख लिया, एंड उसे लो रिमोट दिखा के, और यहाँ पे अब 3 बंदे बाकी है जिसमें मैं एक हूं और 2 प्लेयर एनिमी है। अब दोस्तों जॉन साइड में था आगे साइड, तो मैं सोचा यार उस वाले छत पे चलाता हूं, लेकिन नहीं यहाँ पे मेरा गन काम कर रहा था, तो मैं नीचे से गया एंड सोचा ऊपर भी चला दूं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं फेल हो गया, और मेरे को पीछे से मारेगा तो बहुत ही गंदा तरीके से मरूंगा, बट यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से बच गया एंड ऊपर चला गया दोस्तों, एंड लेफ्ट साइड में बंदा एक इसी वाले घर में है, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे कवर लेने के लिए बहुत ही अच्छा कवर मेरे को मिल गया, एंड अब फाइट करने का टाइम आ चुका है जो कि दोस्तों वो देखना आगे आएगा, एंड मैं गुलबल लगाया था सामने क्योंकि वो बंदा आएगा मेरे को पता था, और मैं यहाँ पे मारना चाहा बट गाइस वो नहीं मरा, एक भी गोली नहीं लगा, आई डोंट नो क्यों नहीं लगा, और यहाँ पे वो फाइट लेने गया, और भाई देखना यहाँ पे कितना गलत तरीके से मैं किल चोरी करता हूँ उस बंदे का, और लास्ट प्लेयर बाकी है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो अब लास्ट जोन आ गया, 1v1 का सिचुएशन है, तो मैं यहाँ पे बोया तो छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए मैं अपने को पैक कर लिया, और मेरा अच्छा खासा तो किल हो गया है जिसके कारण मैं M2 से नहीं भी मारा तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं ट्रोगन ले लेता हूँ हाथ में, और आप बोया ले लेते हैं क्योंकि दोस्तों बोया लेने में बहुत ही अच्छा खासा प्लस भी मिल जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे देखना उसके पास क्या था भाई, मैं मार दिया एंड सोनिया लास्ट था, एंड यहाँ पे फिनिश हो गया, और फाइनली यहाँ पे हमारा बोया हो जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों, और M2 का तो मेरा वेपन ग्लोरी बढ़ ही रहा है, एंड आज बहुत ही ज्यादा मेरा वेपन ग्लोरी बढ़ा था, एंड दोस्तों यहाँ पे पूरा दिन एंड रात खेलने के बाद मेरा फाइनली यहाँ पे 2000 स्कोर कंप्लीट होता है, और यहाँ पे मेरा रीजन लग पाएगा नहीं आप लोग कमेंट करके बताना। बाय द वे गाइस जो यहाँ तक वीडियो देख लिया उसका थैंक यू, एंड कौन कौन मेरा यहाँ तक वीडियो देखता है वो मेरे को जानना है दोस्तों, इसलिए मेरे को कमेंट कर देना कुछ प्यारा सा, एंड आप लोग शेयर भी कर सकते हो।
सकते हो दोस्तों, उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। और मैं यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन तरीके से 42 नंबर पे आ गया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर।